गुजरात राज्य योग बोर्ड के द्वारा वडोदरा शहर में एक योग तालीम शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ माननीय मेयर श्री डॉक्टर जिगीसाबेन सेठ के वरदहस्तों से किया गया था। आपको बता दें कि शहर के सनफार्मा रोड पर स्थित भीम तलाव गार्डन में यह तालीम शिविर का आयोजन किया गया था। यहां पर लोगों में योग के प्रति जन जागरूकता फैलाने के लिए यह तालीम शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खास तौर पर मेयर डॉक्टर जिगीसाबेन सेठ यहां पर मौजूद रहे थे। बड़ी तादाद में लोगों ने इस शिविर में हिस्सा लिया। सबसे पहले दीप प्रागट्य का आयोजन किया गया था। माननीय मेयर श्री और उनके साथ मौजूदा महानुभवों ने दीप प्रागट्य किया और तब कार्यक्रम की शुरुआत की गई। महानुभवों का सम्मान करने के बाद योगा तालीम शुरू की गई, जिसमें करीब 200 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि यह पूरी टीम यहां पर रहने वाली है और 25 दिनों तक यह तालीम शिविर यहां पर चलने वाला है, जिसके चलते आज मेयर श्री ने भी डॉक्टर का अभिवादन किया था जो यहाँ पर योगा सिखाने के लिए पहुँचे हैं। आपको बता दें कि यह योग शिविर सिर्फ और सिर्फ गुजरात राज्य योग बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया है, ताकि लोगों के प्रति योग में जागरूकता बढ़े, योग को लेकर लोगों में जागरूकता फैले, इसी उद्देश्य के साथ यह योग तालीम शिविर का आयोजन शहर में किया गया है। आज अमरा भीम तड़ाव खाते अहिना गार्डन में योगानू आयोजन 25 दिवस माटे करवामां आव्युं छे। डॉक्टर सोनाली बेन ने हूँ खूब खूब अभिनंदन आपूँ छूँ। बेन नानी छे परंतु एनी ऊँची छलांग छे, विचारे छे कि गुजरात में पहेलो नंबर छे, वडोदरा में पहेलो नंबर छे अने क्यांक रेकॉर्ड बनावा जई रह्या छे, कारण के आज आप जोई शको छो खूब मोटी संख्या में सौ योग साधना करवा माटे अहीं हाजर छे। मारी साथे आ विस्तारना काउंसिलर मनीषभाई, दक्षाबेन, रीटाबेन, शकुंतलाबेन सब हाजर छे। सांजनो सरस वातावरण, ठंडीनो वातावरण अने एमां सब साथे मळीने योग लगभग घणा खरा एवा छे कि जे लोको शीखेला छे, ट्रेन छे, ए लोको पोते एक्सरसाइज करशे। अने मैं एमने एक अपील पण करी छे કે આપના વિસ્તારમાં આજુબાજુમાં ભલે 2-5-10 વ્યક્તિ જેટલી ભેગી થતી હોય એટલી વ્યક્તિઓને યોગા શીખવો, તંદુરસ્ત થી મંદુરસ્ત અને મન અને તંદુરસ્તથી સુરક્ષિત અને સ્વસ્થ રાષ્ટ્ર બનાવવાની જ્યારે આપણા પ્રધાનમંત્રીશ્રીની નેમ છે એને આપણે સૌ ખૂબ સુંદર સાથ સહકાર આપીએ। સાથે જ અમારા દુષ્યંતભાઈ, નૈનાબેન, હરીશભાઈ અને ઘણા બધા હાજર છે। અસ્તુ, વંદે માતરમ, જય જય મે ગુજરાત રાજ્ય યોગ કોચ છે બરોડા સે ડોક્ટર સોનાલી નીરજ માલવિયા। हाल ही में गुजरात राज्य योग बोर्ड ने योग कोच का सिलेक्शन किया है। 5,000 अलग अलग योग शिक्षकों की अलग अलग स्तर पर परीक्षा लेकर केवल 150 योग कोच तैयार किए जो पूरे गुजरात में हैं। बड़ौदा से मैं डॉक्टर सोनाली मालविया नंबर 1 पर हूँ और आज मैंने नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में एक सपना देखा है सभी ने कि हर घर योग और हर घर रहे निरोग, इस सपने को पूरा करने की प्रतिज्ञा ली है। आज से मेरा 21 दिवस का योग ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है। मेरे अंडर में बड़ौदा के अलग अलग स्थान से आए हुए 250 से 300 योग साधक योग ट्रेनिंग का प्रोग्राम लेंगे और ये सारे साधक पूरे बड़ौदा में हर घर, हर गली, हर मोहल्ले में जाकर योग का प्रचार प्रसार करेंगे और ये सारे साधक निःशुल्क सभी घर जाके योग सिखाएंगे। जो मोदी जी की संकल्पना है, एक सपना है कि गुजरात से बीमारी को दूर करना है और हमें वो सारा पूरा करना है। हम साधक सब यही काम करने वाले हैं। 21 दिन में मैं उनको यही ज्ञान दूंगी कि कैसे योग सीखना है, योग के फायदे क्या है, योग करने से कैसे बीमारी दूर होती है और हमारे ये सारे 300 साधक हर घर जाकर यही सिखाएंगे। गुजरात राज्य योग बोर्ड के शिषपाल जी ने ये जो परिकल्पना और संकल्प साथ में उनके जोड़ा है, हम सारे भारतवासी पूरे गुजरात के उनके साथ में है। और गुजरात राज्य में ये बड़ौदा में आया, मेरे ख्याल से ये पहला योग केंद्र और योग शिविर हो रहा है जिसमें 300 से ज़्यादा प्रशिक्षित योग शिक्षक ट्रेनिंग लेंगे और सारे गुजरात में ट्रेनिंग फैलाएंगे। मैम, आपको ये ऑर्गेनाइज करने में कितनी कठिनाइयाँ आई? सर, कठिनाइयाँ तो बहुत आई है, जगह का प्रॉब्लम हुआ है, उसके बाद में समय का प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि मेरे ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स लेडीज है जिन्हें मॉर्निंग में उठना या आना मुश्किल हो रहा है, टिफिन बनाना, बच्चों को वगैरह, तो सबसे मैंने राय ली और सबने शाम की तैयारी करी। अब मुझे ऐसा था कि मेरे पास सिर्फ 50 साधक आएंगे लेकिन मेरे पास 250 से 300 साधक हो गए तो जगह का प्रॉब्लम आ गया। फिर हमारे कॉरपोरेटर जी है, उनसे बात की, काउंसिलर जी है शकुंतला बेन ने, उसके लिए मुझे हेल्प करी और हमें ये गार्डन, भीम तालाब गार्डन की जगह हमें बताई गई, इसके अंडर में हम लोग ये योग
ट्रेनिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ के जो वार्ड के हैं, मनीष भाई है, दक्षा बेन है, रीठा बेन है, इनका सबका बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। हमें गार्डन निःशुल्क करवाया गया है, लाइट की व्यवस्था करवाई है, और हमारे सबसे ज़्यादा मतलब जिसने परमिशन दी है, हमारे बड़ौदा के मेयर श्री डॉक्टर श्री जिगीशा बेन सेठ जी ने इस सबको हमारे को मंजूरी दी, और ये सारे कॉरपोरेटर को कह दिया है कि आपको इनको योग को प्रचार प्रसार में लग जाना है। तो ये सारे कॉरपोरेटर हमारे साथ है और आगे भी रहेंगे, यही मेरी उनसे विनती है। आज गुजरात बोर्ड द्वारा योग का जो ट्रेनिंग जो लिया है, चालू किया है डॉक्टर सोनाली बेन, उन्होंने पूरे गुजरात में से उनका फर्स्ट नंबर आया हुआ है। उन्होंने आके हमें बताया कि हमें ट्रेनिंग लेनी है गुजरात की, ट्रेनिंग को सब जगह गुजरात में फैलाना है, तो मुझे परमिशन चाहिए। तो मैंने डॉक्टर हमारा मेयर से डॉक्टर जिगीशा बेन उनसे बात किया, उन्होंने परमिशन दिया, और यहाँ के काउंसलर जहाँ पर अभी आज योग का ट्रेनिंग हो रहा है, भीम तालाब का गार्डन, वहाँ पर हम लोग आए, और यहाँ पर जो योगा के ट्रेनिंग जो लेने आए हुए उन लोगों को, उनका 50 की जगह 250 जन 300 जन लोग आए हुए, और ये लोग को हम लोगों ने सब ट्रेनिंग देखा। अभी इन्होंने जो स्टार्टिंग योग किया, हम सब ने साथ मिलके किया, बहुत अच्छा लगा। मैम, एज अ काउंसिलर आप खुद यहाँ पे आए हो योगा करने, आपको कैसा लगा? हाँ, मुझे तो, मैं योगा करने आई, मैंने हर बार योगा किया, लेकिन ये योगा जो किया है गुजरात का फर्स्ट नंबर जो हमारी सोनाली बहन, उन्होंने किया बहुत अच्छी तरह से डांस के साथ में, और मेयरशी मैं पूर्वधंडक शकुंतला शिंदे, साथ में हमारे काउंसिलर यहाँ के जो है मनीष भाई पगार, दक्षाबेन पटेल, रीताबेन सिंह, वो सब ने मिलकर योगा किया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो माहौल है 300, और 300 के बाद में सब यहाँ आने लग गए, 400 भी हो गए, और बहुत अच्छा लगा। और पूरे गुजरात में ये योग का आज देखेंगे तो पूरे गुजरात में, बड़ौदा में हर जगह पर योग का ये होने वाला है ट्रेनिंग, लेकिन पूरे गुजरात में आज का माहौल बहुत चेंज हो जाएगा। मोदी जी का सपना जो है हर घर योग, हर घर निरोग मिलने वाले, वो पूरा होने वाला है।